अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफा मुश्ताक है और हम जो है इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7, उसकी हम पढ़ेंगे द लर्निंग ऑफ साइंस। क्लास 7 की आपकी बुक का टाइटल है और इसका हम जो है वो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 की हाफ रीडिंग हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी नेक्स्ट हाफ रीडिंग इस वीडियो में पढ़ेंगे। पेज नंबर 69 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। पायरामिड्स ऑफ नंबर्स, पायरामिड ऑफ नंबर्स लाइक फूड चेन एंड फूड वेब्स। फूड चेन यहाँ पे पायरामिड्स ऑफ नंबर्स आर आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फीडिंग रिलेशनशिप। पायरामिड्स ऑफ नंबर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए रिलेशनशिप, फीडिंग रिलेशनशिप एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान में, एक इकोसिस्टम के अंदर। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स, ज़्यादातर जो इकोसिस्टम्स हैं, देर आर मोर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। वहाँ पे प्रोड्यूसर्स की तादाद ज़्यादा होती है कंज्यूमर्स से। पायरामिड्स नंबर टेल अस, पायरामिड्स ऑफ नंबर्स हमें बताता है हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कि कितने जो हैं जानदार हैं या जानवर हैं जो ईच फीडिंग लेवल इन फूड चेन, हर फीडिंग लेवल पर फूड चेन के अंदर। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज गेट द प्लेस एट द बॉटम, प्रोड्यूसर्स को हमेशा जगह मिलती है सबसे नीचे खाने में ऑफ एवरी फूड चेन, हर फूड चेन के। एंड इन पायरामिड ऑफ नंबर्स और पायरामिड ऑफ नंबर्स में, लेट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग फूड चेन टू लर्न मोर अबाउट पायरामिड्स ऑफ नंबर्स। आए हम जो हैं वो फूड चेन पढ़ते हैं नीचे जो दी हुई है, मज़ीद पायरामिड्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ने के लिए। There are thousands of the green plants of the grass, हज़ारों जो हैं वो सब्ज पौधे हैं जैसे घास, which are eaten by five wolves. These five wolves may be eaten by only one or जिनको खाते हैं तकरीबन सिर्फ पाँच wolves. और इन जो है ये पाँच wolves हैं, इनको आगे से खाता है सिर्फ एक उल्लू। How you can observe that in every food chain the number of living organisms decreases at each level, और आप ये देखेंगे, मुशाहिदा करते हैं कि हर food chain के अंदर जो number है जानदारों के वो कम होते जाते हैं जैसे जैसे उनका हर level के अंदर। Living organisms at the lower level consume a lot of food, और वो वाले living organisms जो सबसे निचले वाले खाने में होते हैं वो सबसे ज़्यादा फूड को जो है वो यूज़ करते हैं टू कीप द एनिमल्स अलाइव, उन जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए, एट द अपर लेवल ऊपर वाले हिस्से में। एनर्जी इज़ लॉस्ट टू द सराउंडिंग, एनर्जी जो है वो गायब हो जाती है अपने माहौल में एज़ वी गो फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, जैसे जैसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं। सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म, सूरज जो है वो सबसे अहम ज़रिया है एनर्जी का हर किस्म की जो है वो उसके लिए, लाइफ के लिए। एज़ यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, प्रोड्यूसर्स यूज़ एनर्जी ऑफ द सन एंड मेक फूड, प्रोड्यूसर्स जो है वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स डू नॉट स्टोर ऑल द एनर्जी, पौधे जो है वो तमाम एनर्जी को स्टोर नहीं करते, दे गेट फ्रॉम सन जो कि वो सूरज से हासिल करते हैं। सम एनर्जी इज़ कंज्यूम, कुछ एनर्जी वो खुद खर्च कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में एंड इन द फूड चेन मैंशनड अबव। और ये जो फूड चेन आपके ऊपर मैंशन करवाई थी उन्होंने कि जब बेन अ वॉल्व, कि जब एक जो है वॉल्व जो है ईट्स द ग्रास, वो ग्रास को खाता है। ऑलमोस्ट 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ द ग्रास, तकरीबन 10% जो एनर्जी है ग्रास की इज ट्रांसफर टू द वॉल्व, वो वॉल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। वॉल यूजेस दिस एनर्जी इन रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, वॉल जो है इस एनर्जी को सवानाई को इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन में और डाइजेशन में। इट ऑल्सो यूजेस दिस एनर्जी इन सम अदर लाइफ प्रोसेस, और वो इस्तेमाल करता है इस एनर्जी को दूसरे जो है वो लाइफ प्रोसेस में, जैसे कि हरकत करने में, रिप्रोडक्शन करने में। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द सराउंडिंग, ज़्यादातर जो एनर्जी है वो खो जाती है माहौल में इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की सूरत में। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ लेफ्ट फॉर ग्रोथ, और थोड़ी सी अमाउंट जो एनर्जी की वो बच जाती है ग्रोथ करने के लिए। एंड दिस इज़ पास्ड ऑन टू द ओल, और ये जो है आगे से ओल में ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब यहाँ पर हम वापस आते हैं पिछली चेन में, तो यहाँ पे हमने क्या था कि सबसे पहले जो सूरज की रोशनी है ना, यहाँ पे वो सोर्स है इस ग्रास का। ये ग्रास क्या करती है, उसको इस्तेमाल करती है अपना फोटोसिंथेसिस करती है, अपने वो
क्या नाम है खाना बनाती है, खाना बना के वो उस खाने को जो है वो अपने लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए थोड़ी कंज्यूम कर लेती है, बाकी के जो इसको वोल खाता है तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह से ये जो वोल है ये भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, अदर लाइफ प्रोसेस मूविंग के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा, बाकी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और वो स्टोर एनर्जी को आगे से ऑल खा लेगा और इसी तरह से आगे ये प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। तो यानी कि फूड चेन जो है ये इसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे जानदार में, एक जानदार से दूसरे जानदार में जो है वो कन्वर्ट होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज वेस्ट एट ईच लेवल, हर जो है लेवल में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ज़ाया चली जाती है, देयरफॉर अ फ्यू लिंक्स आर देयर इन अ फूड चेन, इसलिए सिर्फ कुछ जो है वो लिंक्स हैं फूड चेन में। समटाइम्स बाज़ुका देयर आर मोर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल में जो है ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, बिकॉज इन अ फूड चेन इज नो नेक्स्ट लिंक टू द बिग कार्निवोर्स लाइक लाइन, पोलर बियर्स एंड एंटीजोगार्स, क्योंकि उस लेवल के अंदर जो है अगला जो बड़े कार्निवोर्स हैं उनका लिंक मौजूद नहीं होता, जैसे कि शेर, पोलर बियर्स या जोगर्स वहाँ पर नहीं होते। नन ऑफ द एनिमल्स स्पेशलाइज टू प्रे दीज प्रेडेटर्स। Pyramid of biomass. Biomass is a term which describes biomass, वो term है जो बयान करती है the mass of all the living things, तमाम living things का जो mass है in an ecosystem, किसी भी ecosystem के अंदर। Suppose first करें we collect, हम इकट्ठे करते हैं all the living animals and plants and weigh them, हम सारे जानवरों और पौधों को जो है वो इकट्ठा करते हैं, उनका वजन करते हैं, we would be having biomass of that ecosystem, तो हमारे पास जो है उस ecosystem का biomass आ जाएगा। इट इज़ लुक एट अ डिफरेंट मोर कॉम्प्लेक्स फूड चेन, तो हम जो है वो कुछ और कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स को देखते हैं, जैसे ये देखिएगा ओक ट्री, इसको कैटरपिलर खाते हैं, इसके पत्तों को कैटरपिलर से को आगे से जो है वो ब्लू टिक खा लेती है और इसके आगे इसको स्पैरो हॉक खा लेता है। यू नो, आप जानते हैं दैट ओक ट्री आर वेरी लार्ज, के ओक के जो दरख्त होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, एंड कैटरपिलर्स आर वेरी स्मॉल, और कैटरपिलर्स बहुत छोटे हैं, एंड ओक ट्री कैन फीड लॉट्स ऑफ कैटरपिलर्स, ओक का जो दरख्त होता है ये कैन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैटरपिलर्स जो है वो खा सकते हैं इसको, बट एट द नेक्स्ट लेवल, लेकिन अगले लेवल पे ऑफ दिस फूड, इस फूड चेन के, अ ब्लू टिट नीड्स मेनी कैटरपिलर्स टू मीट इट्स नीड ऑफ फूड, ब्लू टिट को बहुत ज़्यादा कैटरपिलर्स चाहिए अपनी खुराक की डिमांड को पूरा करने के लिए। इन द सेम वे, इसी तरह से स्पैरो हॉक नीड्स मोर देन वन ब्लू टिट फॉर फूड, स्पैरो हॉक को भी एक से ज़्यादा ब्लू टिट चाहिए अपनी खुराक पूरी करने के लिए। इफ़ वी ड्रॉ अ पायरामिड ऑफ नंबर फॉर दिस फूड चेन, तो अगर हम पायरामिड ऑफ नंबर ड्रॉ करते हैं इस फूड चेन का, इट विल लुक लाइक इन द गिवन फिगर, तो ये जो है ये इस फिगर के मुताबिक आपको दिखेगा। इन अ पायरामिड थिकनेस अ थिननेस ऑफ द बार डिनोटेड टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक पायरामिड के अंदर किसी जो है वो लेवल की, ऑर्गेनिजम्स की किसी लेवल की जो मोटाई है या उसकी बारीकी है, यानी कि उसका थिक होना या थिन होना, ये डोनेट करते हैं हम एक बार से ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पर ये जो बार बनी हुई है साइड पर, यहाँ पर हमें पता चल रहा है ये इसकी तादाद, और फिर ये ब्लू टिट की, फिर कैटरपिलर उससे ज़्यादा है, देन द ओक ट्री। तो कीप इन माइंड दैट द एनर्जी इज़ लॉस्ट एंड एनर्जी लेवल इन द फूड चेन, और यह बात अपने जहन में रखनी है कि एनर्जी जो वो लॉस्ट भी होती है हर अगले जो है वो एनर्जी लेवल तक पहुँचने से पहले। If we construct the pyramid of biomass, अगर हम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रा करते हैं पायरामिड ऑफ बायोमास फॉर द सेम फूड चेन, उसी फूड चेन का, तो इट विल लुक लाइक एज शोन इन फिगर, तो ये हमें इस फिगर के मुताबिक दिखेगा। मतलब यहाँ पे हमने जो देखा था ये वाला इसी फूड चेन का, ये हमारे पायरामिड ऑफ नंबर था, तादाद थी, ये इन सबसे कम, इसकी तादाद कम है, फिर इसकी तादाद उससे ज़्यादा है, फिर इसकी तादाद उससे भी ज़्यादा, और इसकी तादाद जो है वो इतनी। अब तादाद को छोड़ के अगर हम मास की बात करें, हजम की बात करें कि किसका ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम जो है ये नेक्स्ट पे आ जाएंगे ये, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मास जो है वो इनका सबसे कम, फिर इसका कैटरपिलर्स का, और देन द ओक ट्रीज का जो है वो ज़्यादा है। तो द बायोमास ऑफ एन ओक ट्री, तो जो बायोमास है ओक ट्री का, इज़ लार्जर, ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड विद द बायोमास ऑफ लॉट्स ऑफ
कैटरपिलर्स मुकाबले में किसके, बहुत ज़्यादा कैटरपिलर्स के मास के, विच इंडिकेट द शेप ऑफ द पायरामिड, जो हमें जो है वो शक्ल दिखा रही है पायरामिड की. द पायरामिड ऑफ बायोमास ऑलवेज हैज़ द सेम शेप बट पायरामिड ऑफ नंबर्स कैन बी ऑफ एनी शेप. पायरामिड ऑफ जो बायोमास है वो हमेशा एक ही शेप का आपको दिखेगा, लेकिन जो पायरामिड ऑफ नंबर है, जो तादाद है, वो आपको मुख्तलिफ शेप्स की मिल सकती है. नाउ द टॉक्सिक मटीरियल्स इन द फूड चेन, फूड चेन के अंदर कुछ ऐसी जो है पचीदा जो है वो मादे. टॉक्सिक मटीरियल्स और पॉइजनस मटीरियल्स, टॉक्सिक मटीरियल्स कौन से ऐसे जहरीले मादे हैं. सम क्विकली ब्रेक डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, कुछ तो फौरन टूट जाते हैं उन सब्सटेंसेस में जो कि नुकसान नहीं देते इन द एनवायरनमेंट माहौल में. अदर्स आर पर्सिस्टेंट एंड डू नॉट ब्रेक डाउन, दूसरे जो हैं वो जो है वो रहते हैं अपनी हालत में और इतनी जल्दी नहीं टूटते नहीं हैं. इंस्टेड बजाय इसके दे एक्युमुलेट इन द फूड चेन, वो इकट्ठे हो जाते हैं फूड चेन के अंदर एंड डैमेज द ऑर्गेनिजम्स इन इट, और उसके अंदर जो मौजूद जानदार हैं उसको भी नुकसान पहुँचाते हैं. स्पेशली दो टॉप प्रेडेटर, सबसे पहले वो वाले जो सबसे ऊपर शिकारी होते हैं. मरकरी एंड डीडीटी आर टू परसिस्टेंट टॉक्सिक मटीरियल्स. मरकरी और डीडीटी जो है ये दो ऐसे टॉक्सिक मटीरियल्स हैं जो परसिस्टेंट हैं, जो टूटते नहीं हैं. इनके बारे में देखते हैं. मरकरी कंपाउंड्स आर यूज्ड क्वाइट रिसेंटली. मरकरी के जो कंपाउंड्स हैं इनको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है अभी हाल ही में, टू मेक इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मार अदवियात बनाने के लिए. केमिकल्स दैट किल द इंसेक्ट दैट डैमेज क्रॉप्स, ये वो केमिकल्स हैं जो उन कीड़ों को मारती है जो कि हमारी फसलों को ख़राब कर देती है. एंड स्पेशली पेंट्स दैट स्टॉप बारनेकल्स ग्रोइंग ऑन द हल्स ऑफ द शिप. ठीक है, और उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से व्हेन इट गेट्स इनटू द फूड चेन, जब ये फूड चेन के अंदर एंटर हो जाती है तो मरकरी डैमेज द नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैमल्स. तो मरकरी जो है ये तबाह कर देती है नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैमल्स का, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यहाँ तक के ह्यूमंस को भी. द डायग्राम शोज़ हाउ मरकरी कैन एक्यूमुलेट इन द फूड चेन, ये डायग्राम दिखाती है कि कैसे मरकरी जो है वो फूड चेन के अंदर इकट्ठी हो जाती है. टाइनी प्लांकटन इन द सी अब्जॉर्ब सम मरकरी कंपाउंड, छोटे छोटे प्लांकटन ये वो पौधे हैं जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं सी इन्वायरमेंट में, ये अब्जॉर्ब करते हैं मरकरी कंपाउंड्स को. व्हेन द प्लांकटन इज ईटन बाय स्मॉल फिश, और जब प्लांकटन को जो है वो छोटी मछलियाँ खा लेती हैं, द मरकरी दे कंटेन स्टेज इन दैम, तो वो मरकरी जो उनके अंदर पाई जाती है वो भी उनके अंदर जो है वो शामिल हो जाती है. एज अ फिश नीड्स टू ईट अ लॉट ऑफ प्लांकटन, जैसे कि फिश को ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा प्लांकटन को खाने की, द कंसनट्रेशन ऑफ मरकरी इन दैम इंक्रीजेज दैन इट्स कंसनट्रेशन द प्लांकटन, तो मरकरी की कंसनट्रेशन भी उन मछलियों के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है जैसे जैसे वो मज़ीद प्लांकटन को खाते हैं. द स्मॉल फिश आर ईटन बाय लार्जर फिश, उन छोटी मछलियों को आगे से बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, एंड दीज आर ईटन बाय लार्जर वंस, और फिर उनको उससे भी बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, सच एज अ ट्यूना फिश, जैसे कि ट्यूना फिश. दिस क्रिएट्स अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ मरकरी इन द ट्यूना, और ये पैदा कर देती है बहुत ज़्यादा मिकदार मरकरी की ट्यूना के अंदर. पीपल ईटिंग कंटेमिनेटेड ट्यूना मे गेट मरकरी पॉइजनिंग, और फिर वो लोग जो ट्यूना फिश को खाते हैं ये मरकरी उनके अंदर चली जाती है, वहाँ जहर फैलाती है अपना. मरकरी इज़ नॉट बैंड फ्रॉम इन मैनी केमिकल प्रोडक्ट्स, अब बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स के अंदर मरकरी को डालना बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया है. एंड मरकरी यूज इंडस्ट्री इज़ केयरफुली रेगुलेटेड, और वो मरकरी जो कि इंडस्ट्रीज़ में भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी बड़ी एहतियात से जो है वो करवाया जाता है. डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है दैट कैन पास अप द फूड चेन फ्रॉम इंसेक्ट्स टू स्मॉल बर्ड्स, जो के पास होता है फूड चेन में कीड़े मकोड़ों से छोटे परिंदों में, एंड देन फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स टू बर्ड्स ऑफ प्रे, और फिर स्मॉल बर्ड्स से वो वाले परिंदों में जो कि दूसरे परिंदों का शिकार करते हैं लाइक हॉक्स वगैरह. इट कैन एक्यूमुलेट इन द बर्ड्स ऑफ प्रे, और ये फिर जमा हो जाती हैं उन बर्ड्स ऑफ प्रे में, इन शिकारी परिंदों में. Giving them a large amount of DDT, बहुत ज़्यादा अमाउंट में DDT देने से कंसनट्रेशन है जो DDT की बर्ड्स के अंदर वो वीकनेस पैदा कर रही है उनके अंडों में, एंड रिड्यूस देयर पॉपुलेशन, और फिर क्या कर रही है कि उनकी आबादी कम होती जा रही है. DDT भी बैन कर दी गई है अपने इस्तेमाल में, क्योंकि वो भी ये जो मसले हैं ये क्रिएट करवा रही है. नाउ चेंज इन द फूड वेब, फूड वेब के अंदर तब्दीली.
देयर सिटिंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूरत हाल हैं विच कैन इफेक्ट द बैलेंस ऑफ फूड चेन, जो कि इफेक्ट करता है बैलेंस को फूड चेन के या फूड वेब के। दीज कंडीशंस आर समटाइम्स नेचुरल एंड समटाइम्स आर्टिफिशियल। ये सूरत हाल बाज़ुकात कुदरती हैं और बाज़ुकात जो है वो ये आर्टिफिशियल हैं। यू नो दैट इन एन इकोसिस्टम ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। आप जानते हैं अब कि एक इकोसिस्टम के अंदर जितने भी जानवर और पौधे मौजूद होते हैं एक दूसरे के ऊपर वो इन्हसार करते हैं। एनी चेंज इन द साइज ऑफ द वन पॉपुलेशन और किसी किस्म की भी तब्दीली जो है एक पॉपुलेशन के साइज़ में कैन इफेक्ट ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स को मुतासर करती है। लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग फूड वेब। तो नीचे ये जो फूड वेब दिखाई है आपको, इसको ज़रा देखिएगा। ये देखिएगा, ये फूड वेब, एक फूड चेन ये चल रही है, ये ग्रास को ये जो है रैबिट ये ईट करता है और फिर इसको आगे से ये वुल्फ खा लेता है। इस तरह से एक और फूड चेन चल रही है, ये बग है और इसे फूड लेता है, बग को आगे से ये फ्रॉग खा लेता है, इसको आगे से फिर वो फॉक्स खा लेती है। एक और चल रही है, ये बग है, इसको आगे से ये जो माउस है ये ले लेता है और इसको फिर आगे से ये जो है बर्ड ये खा लेता है। इसी तरह से यहाँ से ये कैटरपिलर से अगेन ये बर्ड और इस बर्ड को अगेन ये लार्जर बर्ड खा लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा फूड चेन्स मिलके क्या बना रही हैं, एक फूड वेब बना रही हैं। तो अब देखते हैं हम कि क्या किस तरह से हमारे जो है वो तब्दीली पैदा हो सकती है अगर फूड वेब के अंदर तब्दीली आ जाए। तो द ग्रास इज़ द प्रोड्यूसर्स। ग्रास क्या है, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, इनके खुद खाने को प्रोड्यूस करता है। सो इफ़ इट डाई, तो अगर ये मर जाए, द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन इट, तो वो कंज्यूमर जो इसको खाते हैं, जैसे कि रैबिट दिखाया आपको, इंसेक्ट दिखाया, इंसलक्स दिखाए, वुड हैव नो फूड, उनको भी खाना नहीं मिलेगा। दे वुड स्टार्व, वो मर जाएंगे भूख से, एंड डाई अनलेस दे कुड मूव टू अनदर हैबिटेट, और इससे पहले जब तक वो किसी और हैबिटेट में नहीं चले जाते, अपनी जगह नहीं बदल लेते, तब तक वो वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। ऑल अदर एनिमल्स इन द फूड वेब वुड डाई टू, तो जो दूसरे जानवर हैं उस फूड वेब के अंदर वो भी मर जाएंगे जो उन्हें खाते होंगे। बिकॉज देयर फूड सप्लाईज वुड हैव डेड आउट, क्योंकि उनकी जो फूड सप्लाई थी वो ख़त्म हो गई, वो मर गए हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द कंज्यूमर्स वुड फॉल एज अ पॉपुलेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब हुआ कि जो पॉपुलेशन है कंज्यूमर्स की वो भी गिर जाएगी जैसे ही पॉपुलेशन प्रोड्यूसर्स की गिरेगी, हद कम होना शुरू हो जाएगी। स्लग्स रैबिट्स एंड इंसेक्ट्स ऑल ईट ग्रास, ये तीनों जानवर वो हैं जो ग्रास खाते हैं। इफ़ देयर वर फ्यूर स्लग्स देयर वुड बी मोर ग्रास फॉर रैबिट्स एंड इंसेक्ट्स, और अगर वहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्लग्स कम हो जाएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा घास होगी वहाँ पर रैबिट और इंसेक्ट्स के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ द रैबिट एंड इंसेक्ट्स वुड इंक्रीज, और फिर क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है रैबिट्स की और इंसेक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज देयर इज मोर फूड, क्योंकि उनको खाने को बहुत मिल रहा है। हाउएवर ताहम द थ्रशेस वुड हैव टू ईट मोर इंसेक्ट्स टू मेनटेन देयर पॉपुलेशन, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स कुड डिक्रीज। तो क्या होगा कि जो थ्रशेस हैं उनको बहुत ज़्यादा कीड़े खाने पड़ेंगे इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए। तो अगर सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट, या फिर ये भी मुमकिन है कि जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट्स की वो फिर क्या हो जाए, कम होना शुरू हो जाएगी। दिस इन टर्न मे रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द वोल्स एंड फ्रॉग्स, फिर उसके बदले में जब इंसेक्ट्स कम होंगे तो उनको खाने वाले ये जो फ्रॉग मेंढक हैं, वोल्स हैं, ये भी कम होना शुरू हो जाएंगे। There would be more food for the rabbits and slugs. बहुत ज़्यादा खाना होगा फिर rabbits और slugs के लिए, so their population would decrease, तो उनकी population increase वो बढ़ जाएगी। However, ताहम there would be less food for the frogs and wolves. फिर खाना कम हो जाएगा frogs और wolves के लिए, तो उनकी population decrease कर जाएगी। This means इसका मतलब क्या हुआ कि less food for the foxes and the hawks, कि थोड़ा खाना होगा fox और hawks के लिए। However, there are likely to be more rabbits and thrushes for them to eat. हाँ, ताहम उनके पास जो है rabbits और ये thrushes बहुत ज़्यादा होंगे खाने के लिए, so their population is likely to stay the same. तो फिर उनकी population जो है वो same रहेगी, यानी कि balance होना ज़रूरी है। हर एक जो है फूड वेब के अंदर हर पॉपुलेशन का अपना रोल है, अगर उसके अंदर किसी भी चीज़ की एडिशन या फिर कमी जो है वो दूसरी पॉपुलेशन को भी इफ़ेक्ट करेगी। उसके बाद करते हैं हम कंपटीशन। हैबिटेट्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने मस्कन हैं उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन देम। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जो कि चाहिए होते हैं किसी भी जानदार को वहाँ पर रहने के लिए। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली सर्वाइव, जानवर उनमें इंसान भी आते हैं और प्लांट जो है ये वो जानदार इनको जो है जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए
सर्वाइव तभी कर सकते हैं इफ़ दे कैन गेट इनफ रिसोर्सेज फ्राम देयर हैबिटेट, अगर उनको अपने हैबिटेट से जो है वो रिसोर्सेज मिलें, ज़राए मिलें, एंड दे मस्ट कम्पीट विद देयर ऑर्गेनिजम्स फॉर दीज रिसोर्सेज. और इनको कम्पीट करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इन रिसोर्सेज की खातिर. इफ़ दे आर सक्सेसफुल, अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं, एंड कैन नॉट मूव टू एन अदर हैबिटेट, दे विल डाई. और अगर वो कामयाब हो जाते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं होते और किसी दूसरे हैबिटेट पे मूव भी नहीं करते तो वो मर जाएंगे. एनिमल्स, हेयर आर सम रिसोर्सेज दैट एनिमल्स कम्पीट फॉर. अब यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में बताया है कि इकोसिस्टम के अंदर जिनकी वजह से वो आपस में कम्पीट करते हैं, फूड, वाटर एंड द स्पेस. एनिमल्स में ऑल्सो कम्पीट फॉर मेट सो दे कैन रिप्रोड्यूस. इसके अलावा ये मेट के हाथ भी जो है वो कॉम्पिटिशन होता है ताकि रिप्रोडक्शन कर सकें. प्लांट्स, रिमेंबर, याद रखें दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग फोटोसिंथेसिस करके. सो दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड, तो फूड के लिए उनका कॉम्पिटिशन नहीं होता. हेयर आर सम थिंग्स दैट प्लांट्स डू कम्पीट फॉर, लेकिन जिसके लिए उनका कॉम्पिटिशन है वो कौन सी चीज़ें हैं? लाइट, वाटर, स्पेस, मिनरल सॉल्ट्स. ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स आर वेरी सक्सेसफुल एनिमल्स, ये बहुत कामयाब जानदार हैं. वी कम्पीट विद अदर एनिमल्स, हम दूसरे जानदारों के साथ और प्लांट्स के साथ जो है वो पूरी दुनिया में कम्पीट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आर फार्मर्स कम्पीट विद एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर वाटर एंड स्पेस एंड विद एनिमल्स फॉर फूड. हमारे जो किसान हैं वो कम्पीट करते हैं जानवरों के साथ और प्लांट्स के साथ पानी और स्पेस के लिए और दूसरे एनिमल्स से फूड के लिए. देन सक्सेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज, ये एक तब्दीली का अमल है विच अकर ड्यू टू कॉम्पटिशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो किस वजह से होता है जब कॉम्पटिशन बहुत लंबे अरसे तक चले. बाज़ुकात समटाइम्स इट मे ऑल्सो अकर विन द कंडीशन ऑफ हैबिटेट चेंज, ये तब भी होता है जब कंडीशन हैबिटेट वो बदल जाए सडनली एंड ड्रामेटिकली, अचानक या फिर बहुत मतलब अजीबो गरीब अंदाज में अचानक कोई हादसा पेश आ जाए. फॉरेस्ट फायर, जैसे कि जंगल को आग लग जाना, विंड स्टॉर्म तूफान आ जाना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर इंसानी सरगर्मियों की वजह से जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑल मेनली चेंज द कंडीशन ऑफ हैबिटेट, ये सारी चीज़ें हैबिटेट को बदल देती हैं. अब बेयर लैंड के नॉट स्टे बेयर, एक जो बंजर ज़मीन है वो हमेशा बंजर नहीं रह सकती फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे के लिए. प्लांट्स जैसे कि लाइकन्स हैं, वीड्स हैं, आर क्विक ग्रोइंग प्लांट्स, ये बड़ी जल्दी ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं. आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ी देर के बाद, एनिमल्स दैट फीड ऑन दीज प्लांट्स, वो जानवर जो कि उन प्लांट्स को खाते हैं एंड यूज़ देम एज शेल्टर, स्टार्ट लिविंग देयर, और उनको जो है वो पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, सम अदर प्लांट्स ग्रो देयर, कुछ और प्लांट्स भी वहाँ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं विच आर स्ट्रॉन्गर एंड टॉलर, जो कि मजबूत भी होते हैं और लंबे भी. दे स्टॉप द सन लाइट ऑफ शॉर्ट प्लांट्स स्पीसीज, ये छोटे प्लांट स्पीसीज की जो रोशनी उसको रोक देते हैं. व्हेन सच प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड दे डाई, और जब वो वाले प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो मर जाते हैं. न्यू फ्लोरिंग फ्लॉरिंग एंड टॉलर प्लांट्स ग्रो वेल अंडर द चेंज conditions and the area changed into forest. नए जो है flowering फूलों वाले यानी फूल निकालने वाले दरख्त और लंबे पौधे जो है वहाँ पर grow कर जाते हैं under the change condition, इस तब्दील हुई हुई सूरत हाल में, और वो area फिर बदल जाता है इसमें जंगल में. तो ये था हमारा chapter, this is all about the ecosystem एंड देयर feeding relationship. हमने ecosystem के बारे में, उसके feeding relationship के बारे में जो पढ़ा है, तो इसके बाद जो है वो हम इसकी रीडिंग हो गई है हमारी, तो हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.